कुछ न कुछ वादा सबसे किया था। इस साल माँ मैं घर की तकलीफ दूर कर दूंगा। पापा अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन तू फिर की टेंशन क्यों लेती है? तेरा भाई अभी है ना? ये घर बनवा दूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। चलो वादे के अनुसार कुछ दिनों तक एक चित होकर अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित भी किया। फिर जैसे जैसे दिन हफ्ते और महीने बीते, धीरे धीरे फिर से वही आलस, आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालने लगा। मैं हर काम सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एडिक्शन के लत में जकड़ता हुआ, मेरे एक एक समय बर्बाद होने लगा, पूरी समय बर्बाद हुआ। पता नहीं कैसे सब जानते हुए भी इस मतलबी फरेबी लोगों के साथ फिर से अपना दिल लगा लिया। जिस जगह पर समय की बर्बादी होता हो, पल भर की खुशी के लिए वही जाकर अपना कीमती वक्त बर्बाद भी करने लगा। क्या सोच रहा है भाई? लगता था ना कि शुरुआत में कि बहुत टाइम है, पूरा साल है अपने पास। देखा पूरा साल निकल गया ना, मुश्किल से अब कुछ ही महीने बचे हैं तेरे पास, और हर बार की तरह इस साल भी तू पीछे है। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है तेरे पास? बोलता तो सबको खूब है कि इस किराए के घर को छोड़कर खुद की एक जमीन लूंगा और एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा और घर की तकलीफ खत्म कर दूंगा। क्या घर की तकलीफें खत्म हुई? भाई एक घर को बनने में भी एक साल का समय लग जाता है। कभी अपनी उम्र देखी है? खुद की इनकम देखा है? कभी खुद को कैलकुलेट किया है तुझे वो सपनों का घर बनवाने में कितना साल लग जाएगा? और सपने तो तेरे बहुत बड़े हैं, और मैं भी मानता हूँ तेरे पास उसके लिए वैसे प्लान भी पड़े हैं। कोई शक नहीं तुझे तेरे सपनों पर, बस मुझे शक इस बात को है कि शक है तेरे मेहनत पर। माफ करना भाई, आज बहुत कड़वी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, अपनी उम्र और इनकम के साथ उनकी उम्र और हेल्थ का भी ख्याल कर लेना जिन्होंने तुझे इस धरती पर लाया, जिन्होंने तुझे दुनिया दिखाया, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू जो सोच लो वो तू कर सके, जिनके लिए तू ये सपने देखता है, खुद कामयाब होकर जिनको सारी खुशियां देना चाहता है। बस ध्यान देना मेरे दोस्त, तेरी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिसके लिए तू कामयाब होना चाहता है ना मेरे भाई, वो ही तेरे पास न बचे। तेरी भी गिनती उस बदकिस्मती संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी अयासी और मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को तकलीफ दे जाए। भाई इस दुनिया में ना हर कोई एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाता है। कामयाबी छोटी हो बड़ी हो वो उसकी सोच पर निर्भर करता है। किसी के लिए उसकी कामयाबी नौकरी या खुद का घर, तो किसी के लिए खुद का स्टार्टअप या खुद की कंपनी में होती है, और वह भी निर्भर करता है उसकी सोच के ऊपर। तू भी अपनी सोच के अनुसार एक न एक दिन वो बन जाएगा जो तू चाहता है, लेकिन वह कामयाबी किस काम की जब उसके साथ वो ना रहे जिसके लिए वो कामयाब होना चाहता है। वो कामयाबी किस काम की जो एक उम्र के बाद मिले। आज की जो एनर्जी है ना, पता नहीं कल हो ना हो। आज जीने के लिए कितने टाइम है, पता नहीं कल हो ना हो। आज तू जो अकेला है ना, अरे यही तो काम करने का मौका है, पता नहीं कल ये मौका मिले या ना मिले। समय तो भाग रहा है दोस्त, खुद से जो वादा किया था ना उसको पूरा करने के लिए लड़ो यार, पता नहीं कल लड़ने की ताकत रहे या ना रहे। वो कहते हैं ना, समय की कदर करना सीख लो वरना तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। दोस्तों कहने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अपनी बातों को विराम देता हूँ।